मुआवजा मिल रहा है। तो अगर हम कुल आवश्यकता को देखें तो आगे तो जरूरी है, सुविधा भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है। तो किस प्रकृति के साथ सुविधा पूरी हो जाए हमारी, पानी के साथ सर प्रीवियसली आपने स्लाइड में कहा था जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सुविधा पे ज्यादा वर्क करता है कंपेयर टू संबंध, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हमको ये दोनों चाहिए लेकिन हम लोग संबंध पे ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? संबंध का मतलब हुआ मानव का संबंध में भाव, जैसे रिस्पेक्ट एक फीलिंग है। जैसे घर में आपको रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी जाए पर रिस्पेक्ट ना मिले, तो सुविधा तो मिल गई, संबंध का भाव नहीं मिला। तो इन दोनों में अंतर यह है कि मानव के साथ जो संबंध में भाव है उसको यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो मिट्टी हवा पानी है ना इन सब चीजों से मिलने वाली चीजें उसको यहाँ एड्रेस कर रहे हैं। तो भोजन एक सुविधा है, सम्मान संबंध में भाव, विश्वास ट्रस्ट संबंध में भाव है। तो हमें परिवार में रहते दोनों की जरूरत है। जैसे अगर परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क में कर रहे हैं ना, दोनों कमा रहे हैं, तो सुविधा पर्याप्त है। बट यदि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है घर में हैप्पीनेस होगा नहीं होगा? दोनों कमा रहे बट कॉम्पिटिशन करें दूसरे से ज्यादा कमाने के लिए, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा नहीं होगा? ये संबंध का मुद्दा है। तो हम आपस में अफेक्शनेटली रह रहे हैं, ट्रस्ट के साथ रह रहे हैं ना, या इस तरह की फीलिंग साथ रह रहे हैं, ये संबंध का मुद्दा है। ये ठीक है, ये दोनों आवश्यक है। इधर लिखा है एनिमल्स के लिए देखें तो आवश्यक भी है पूर्ण भी है, ये वाला भाग। मनुष्य के लिए आवश्यक तो है परंतु पूर्ण नहीं, तो हमको इससे ज्यादा कुछ चाहिए। इसमें एक बात है संबंध, और ये भी दिखता है कि ये पूरा ना हो है ना तो हमारी समस्याएं यथावत बनी रहती। जैसे ये तो अंबानी ब्रदर्स हैं, ऐसे 10 साल पहले इनके बीच में संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा शुरू हुआ, उस समय इनके पास 99,000 करोड़ रुपए कम थे, पर्याप्त थे। अब इन दोनों के पास लागे 5 लाख करोड़ रुपया है, उससे भी ज्यादा। उस समय इनके संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा शुरू हुआ, ये संबंध का भाव है या सुविधा का भाव है? संबंध का भाव है। आप एक भाई से कहे ठीक है भाई दूसरे को कुछ ना मिले सब उठा के तुम्हें दे दें, पर्याप्त है कि नहीं? अभी पर्याप्त नहीं। अल्टीमेटली आप देखें तो समस्या बनी हुई है घर में, संबंध के भाव में, सुविधा का भाव में नहीं। अगर स्केल डाउन कर दें पता लगा और कई जगहों पर ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। सर एक बात है मेरे को कि मुझे लगता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हम लोग अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं। लाइक हम लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा ये करेंगे या फिर हमको ये खाना है, उसी के थ्रू सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। हमें सुविधा कम लगती है उसी वजह से, क्योंकि हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड चल रहा है और उसी वजह से हमारे संबंध में भी प्रॉब्लम आते हैं। तो आई थिंक हमें पहले से रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखिएगा कि संबंध की समस्या भी दूर कैसे होगी है ना, ये जो रॉन्ग इमेजिनेशन या सेटअप हमने बना लिया अपने लिए है ना, प्री कंडीशन हो गए अच्छी बात, उसको पहले एड्रेस करना जरूरी है। आते हैं ये तो दिख जाए कि रूट कॉज जो है ना वो सुविधा में नहीं है, तब तो सारे शिफ्ट होना शुरू होंगे। सो ऑल्दो वी हैव रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रिलेशनशिप बट व्हाट हैपेंस वी डू गेट इनटू आर्गुमेंट्स अपोजिशन फाइट्स इवन इन द फैमिली विद क्लोज फ्रेंड्स कलीग्स एट वर्क इन द मार्केट प्लेस एवरी टाइम यू हैव अ फाइट यू वांट टू रिजॉल्व इट इवन तो वी डोंट वांट टू फाइट टेक्स प्लेस वंस अगेन, वी वांट द अदर टू इंप्रूव एंड द अदर वांट्स
तो हम सोचते हैं संबंध की समस्या है, दूसरे को हम सुधार दें, दूसरा होता है वो हमको सुधार दे, हम एक दूसरे सुधारने में लगे रहते हैं। इट इज हैपनिंग आर इंसिडेंसेस ऑफ रिएक्शन नॉट स्पीकिंग टू द अदर आर्गुमेंट्स डिबेट्स डिवोर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी अभी देखिए कि अभी ये जितना जितना एजुकेशन बढ़ता जा रहा है ये सब भी बढ़ता जा रहा है। भारत में कितना देश कहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2% डिवोर्स है, अमेरिका को विकसित देश कहते हैं वहाँ 53% डिवोर्स है। यूरोप का देखिए, यूरोप की ऐसी हालत है, जापान की ऐसी हालत है ना, ये सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा बैठे थे आप उठा के देखिए। तो हम इसको भी डेवलपमेंट अभी कह रहे हैं है ना, सुपर डेवलपमेंट वो बढ़ता जा रहा है, बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। संतुष्टि का अर्थ भी क्या है ना, कि संतुष्टि भी कैसे मिलेगी, सिंपली मान लेने से कि पर्याप्त मिल जाएगी क्या? जैसे आपने कार खरीद ली मारुति ऑल्टो है ना, और आपने सोचा है कि हाँ पर्याप्त है, और आपका दोस्त होंडा सिटी उतर के सामने भी अब सारी संतुष्टि चली गई है ना। अगर हम ये सोचें तो ये कंडीशनिंग होगी, सोचने से तो काम नहीं चलेगा। जब होंडा सिटी देखते हैं तो लगता है कम है, जब एक झुकी झोपड़ी देखते लगता है पर्याप्त है, तभी ऐसे इसलिए हमारे जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो ये कैसे डेफिनेट हो जाए, यही तो सोचने की बात है, समझने की बात है कि ये डेफिनेट कैसे, हमारे डिजायर डेफिनेट कैसे हो पाए, निश्चित कैसे हो पाए, हमको अपने डिजायर की समझ कैसे हो जाए। अच्छी बात है, तो हम लोग जिस तरह प्रोसीड कर रहे हैं और चीज निकल कर आएगा, इसको कहते हैं समझ, उस पर बात करते हैं। इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर रिलेशनशिप व्हाई इज इट हैपनिंग, जबकि हम संबंध को जीना चाहते हैं बट ये सब क्यों हो रहा है? तो आपके लिए इन तीनों में से कौन सा भय प्रमुख है, इन सब पशुओं का भय, प्राकृतिक आपदा का भय, या मानव का मानवीय व्यवहार का भय? इन सब पशुओं को देखे तो उनको हमसे भय लगता है ना, अपनी जू में ज्यादा तो लिखा रहता है वन्य प्राणियों की रक्षा करें है ना। प्राकृतिक आपदा आप चाहे बाहर आंधी आए, तूफान है, आराम से हॉल में बैठ सकते हैं, एयर कंडीशन में बैठ सकते हैं, बट इसका क्या करें, साथ बैठे अभी आपको कहा जाए ठीक है ना, बड़ा अच्छा एसी का टेम्परेचर है ना, आम सा हॉल है, बट अभी जानकारी मिली आपने कोई व्यक्ति जेब में बॉम्ब लेकर आया है, अब नया भय शुरू हो गया ना। अभी आप देखिए ये वाला भय बढ़ता जा रहा है, यह मानवीय व्यवहार का जो भय है ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी आप देखिए अभी कॉलेज में स्कूल्स में है ना सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं, कई तरह के उपकरण लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये भय बढ़ता जा रहा है। तो एजुकेशन भी बढ़ रहा है, भय भी बढ़ रहा है, चलो क्या ठीक चल रहे नहीं चल रहे। एक स्टीफन हॉकिंग नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, दो साल पहले उनकी डेथ हो गई, कुछ साल पहले वो इंडिया आए, जब इंडिया आए तो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनसे पूछा क्या कि ये बताइए हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने पूछा कि आपको धरती के सामने कौन बड़ी समस्या लगती है, पांच बड़ी समस्याएं बताई, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वॉरफेयर, पॉल्यूशन, सोफिस्टिकेशन, इस तरह की चीजें बताई। उनसे फिर पूछा गया कि ये बताइए इतनी सारी समस्या आपने बताई और उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, कुछ सोच के उन्होंने कहा कि हम लोग इतना रिसर्च कर लें कि हम लोग धरती छोड़ के दूसरी धरती पे जा सकें, इस धरती को छोड़कर किसी दूसरी धरती पे जा सकें। सर देखो समाधान है नहीं है, अगर अमानवीय व्यवहार का भय बना हुआ है स्पेसशिप में झगड़ा हो जाएगा, आगे की सीट पे कौन बैठेगा? और इतने सारे लोग कैसे तो धरती में शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा कि वहां पहुंच के क्या करेंगे, यही करेंगे। ये तो कोई समाधान हो नहीं सकता है ना कि दूसरी धरती पे चले जाएं,
despite of our acceptance for relationship, why do you have such a state of affairs of the society? ये देखना आपको करेंगे कि ultimately मुद्दा क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं आपके, आप अपने में ही जांच के देखें, आपकी चाहना संबंध प्रयोग जीने की है या आपकी चाहना विरोध प्रयोग जीने की है, या आपने कहीं मांग रखा है कि जीना तो विरोध प्रयोग ही संभव है, तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, और क्या आप ऐसे जीते हुए सुखी होते हैं? पहले बारे में क्या लगता है, चाहना संबंध प्रयोग जीने की है? दूसरे के बारे में? पर तीसरे के बारे में क्या लगता है? इतने लोगों ने ऐसा मान रखा कि ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, आप सही, अगर मोर और लेस देखें है ना, तो हमें से कई लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अगर हमें सर्वाइव करना है स्ट्रगल करना होगा, और उसमें जो फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव करेंगे, पर ये देखने की बात है कि क्या ऐसा मानकर आप ऐसा जीते हो पाते हैं क्या? जैसे आपको अपने फैमिली में स्ट्रगल करना पड़े, वहां पीस एंड हार्मनी रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। कहीं भी आप देखिए, अगर आपको अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़े या अपने को फिटेस्ट प्रूव करना पड़े, राइट, तो रिलेशनशिप वायलेट होगा। सो व्हाट इज आवर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, व्हिच व्यू टू बी प्रमोट एट होम इन द फैमिली एंड कॉलेज इन द सोसाइटी, एंड इज दिस अ नेचुरल एक्सेप्टेबल व्यू, यू हैव टू लुक इनटू आवर पर्सपेक्टिव। ऐसा करना क्या आपको नेचुरल एक्सेप्टेबल है? जैसे अगर एक है ना रूम में दो लोग हैं, एक ताकतवर है एक कमजोर है, भोजन किसको पहले मिलेगा? कमजोर को। अगर ऐसे देखें तो लगता है कि ताकतवर को मिलेगा, बट यदि ताकतवर माँ है और कमजोर बच्चा है तो किसको मिलेगा? अगर संबंध के भाव के साथ देखें तो एक तरह का आंसर मिलेगा, संबंध के भाव में देखें तो दूसरे तरह का आंसर मिलेगा, तो माँ और बच्चे के लिए कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा, बट यही अगर संबंध का भाव फैमिली के दूसरे मेंबर के साथ एक्सटेंड हो जाए, समाज के साथ एक्सटेंड हो जाए, तो एक अलग तरह का सिनेरियो इमर्ज करेगा, बट कहीं हमने अननोइंगली है ना, अब डार्विन ने कुछ स्टडी किया नेचर पेड़ पौधे के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, कुछ ऐसा एक निश्चित कर दी और हम ऐसा मानने के लिए बाध्य हो गए, तो अल्टीमेटली देखें तो हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, परंतु ऐसा कुछ मान कर हमारे गलत पर्सपेक्टिव बन गया है और फंस गए। तो फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप इज नेसेसरी टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप, सो राइट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट, इट इज ट्रू। With right understanding, we have the clarity about relationship with human being, we are able to fulfill the relationship. We also have the clarity about how much physical facility we need. So, samajh ke saath hum koi clarity ho paati hai ki relationship ka meaning kya hai, hai na, kaun si feeling mujhe fulfill karega, kaun si feeling dusre ko fulfill karega, right? Aur right understanding ke saath hi humko physical facility ki need ki bhi clarity ho paati hai. So, agar manav kul avashyakta ko jod ke dekhen, ye teen tarah ki avashyakta hai, समझ की, संबंध की और सुविधा की। क्या लगता है, आर ऑल थ्री रिक्वायर्ड? तीनों की जरूरत है, किसको हटा सकते हैं? और ध्यान से देखिए, है ना, तो ऐसी आवश्यकता है क्या, जो इनमें से ना हो और यहाँ लिखी है, क्या तो ऐसी आवश्यकता है क्या जो यहाँ लिखी ना हो और है? इज समथिंग इमरजेंट यस, any something more required? क्या लगता है, इसमें कोई redundant है, ऐसी आवश्यकता जो नहीं है? अच्छा, ये अगर समय, समय भी कहाँ लगाना है, अल्टीमेटली समय इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, तो समय तो है ही हमारे पास, सुविधा के लिए लगाएंगे, संबंध के लिए या समझ के लिए, ये मुद्दा है। तो ऐसे कर देखिए, तो समय तो हम सब पास नहीं है, एक दिन में 24 घंटे हैं,
मुद्दा प्रायोरिटी का है, अगर समय की बात करें तो अल्टीमेटली मुद्दा प्रायोरिटी का है, उसमें अभी आ रहे हैं कि अभी इन तीनों के लिए काम करना क्या और अगर इन तीनों की जरूरत है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। मुझे लगता है कि मोबाइल फोन को या साली मोड पर लगा दें, जेब में रखें तो मोबाइल